Boss. क्या है? ये साला मुझे इतना दर्द क्यों रहा है? हाँ बॉस, एक बात बताइयो, ये जो बीनी साइज का टाइम बॉम्ब जो है, इसको बनाते कैसे, इसका प्रोसीजर क्या है? बताता, बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले नाइट्रिक तेजाब के कटोरे में आरडीएक्स के चिल्लर भर देते हैं। हाँ? उसके बाद नट बोल्ट पिन के जमावड़े से उसको लपेट देते हैं और फिर हैंडमेड रिमोट से उसको उड़ा देते हैं। बम! वाह! अबे वाह क्या वाह, ये तुम लोग क्या बात कर रहे हो? यहाँ मुझे साला दर्द, ये ऐसे मुझे बांध कर पकड़ कर कुछ होने नहीं वाला है। मैं फोन कर दूंगा डैडी को। डैडी, मेरा फोन ले ले, तेरा फोन ये ले। थैंक यू। अब देखना है। दबाए 9:12। अबे ओ ज्यादा फुदक मत, तेरे अंदर भी मैंने ऐसा चिकी बम फिट कर दिया है। बॉस, बम का कोई नाम तो रखा होगा आपने? बम, चिकी बम। मेरे बम में बम। अबे ऐसा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बॉस ने राइट में नहीं, तेरे सेंटर में बम फिट किया हुआ है। यकीन नहीं आ रहा ना? बॉस ऑन कर दो। तो फटने से पहले ही फट रही है। मैं क्या करूं, क्या ना करूं? सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश मत करना, वरना तो खुद फट जाएगा। दूसरा, कहीं पर भी आसन ग्रहण कभी मत करना, नहीं तो फिर फट जाएगा। तीसरा, भूल के भी कभी दाल, राजमा, चावल, आलू, पकोड़े कभी मत खाना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड छूटा तो थारा ऑक्सीजन कनेक्शन टूटा और फिर से तू फट जाएगा। चौथा, अरे क्या चौथा कर रहे हो यार, यहाँ पर मेरा चौथा हो रहा है, इसमें उपाय क्या? उपाय है? 3 घंटे है तेरे पास, इससे पहले कि थारा घंटा बजे बाप की मदद ले, कुरुक्षेत्र जा, शिव को जेल से बाइज्जत बरी कर, और अगर थारे से कोई कसर रह गई कम, बम चिकी चिकी बम, चिकी चिकी भाई बम, ये क्या वो राइट के चक्कर है म्यूजिक वालों का? हाँ, वो केस रेस करते हैं। हाँ, बम चिकी चिकी बम, चिकी 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 बम, दिखी पे है चिकी बम, बम चिकी चिकी बम। पूरा किया, अब तुम अपना वादा पूरा करो, सिर्फ 4 मिनट बाकी है। 3 मिनट भाई, 3 मिनट। टकले, जिसने इसके बम में बम डालिया वही निकालेगा। किसने लगाया? नंदू प्लम्बर। प्लम्बर? यस। नंदू प्लम्बर फ्रॉम औरंगजेब रोड दिल्ली। प्लम्बर में सारे मंत्रियों के नल यही ठीक करता है। वक्त की कैफियत है बॉस। सबसे मकबूल तरीका और सलीका ये है कि सबसे पहले इसकी तशरीफ को फाड़ा जाए और फिर उसके बाद उखाड़ा जाए। फाड़ेगा, उखाड़ेगा डैडी। डरा रहा है? झूठा है, लायर। लायर नहीं, प्लायर। चल मेरे कायर, बिहाइंड कार्स टायर। अरे बस, मैं तो बन गया शायर। yeah, बॉस, ये सब देखने का मुझे बड़ा मजा आएगा। आई एम ऑन फायर। 1.5 मिनट रह गया। एक मिनट में निकाल दूंगा वायर्स। करो जाओ, जाओ, जो बोलना बोलो, बिल्कुल फिक्र मत करो, जाओ। आज तक डरती थी आपसे क्योंकि भाई मानती थी आपको, पर अब कोई डर नहीं क्योंकि आप इस रिश्ते के लायक ही नहीं है। ठाकुर, कीचड़ उछालने गए थे ना हमारी मिट्टी पर,
अब इसी मिट्टी पर थारी बहन और मारे भाई की शादी कराऊंगा, क्योंकि खाक मजा है जीने में जब तक आग ना लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। चलो भाई पार्टी करते हैं। ये मेरा सूर्या कहाँ है? अभी भी निकल गया यहाँ से, मगर आप लोग कहाँ गया? वो मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। आज जिंदगी नहीं मौत तकलीफ देगी। रघुनाथ जी नहीं रहे और पिताजी मारे से रहा नहीं गया। बेटे सच बताना ही पड़ा, थारे से मिलने गले लगने और माफी मांगने के लिए तड़प रहे थे। इनको लेकर मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक्सीडेंट। अरे सुन, कहाँ है तू? आईसीयू में या मुर्दा घर में? नहीं, मुर्दा घर में नहीं भी है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। अच्छा बात तो कर सकते है ना कि बिजी है सबके टुकड़े उठाने में। हा? देख जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तेरा ये इमोशनल चैप्टर खत्म हो जाए तो फटाफट मेरे पास आ जा। मैं रुका हूँ यहीं तेरे लिए। कुरुक्षेत्र में तेरी ही मिट्टी पर तेरे खानदान के साथ तुझे मिट्टी में मिलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। चल जल्दी आना, रखता हूं। आयुष्मान, आयुष्मान, मैं हमेशा तुमसे कहता था हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दे, लेकिन आज इस दुश्मन को रुला रुला के फूंकना है तुझे। अर्जुन का रूप धारण करना है तुझे आज, और युद्ध करना है कुरुक्षेत्र में, सर्वनाश करना है उस चंडाल का हमेशा के लिए।